नमस्कार भाई, एक बार फिर स्वागत है यहाँ पे। और आंसर की आ गई इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं आप यहाँ पे नीचे कमेंट करिए। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप से जाके जुड़िए, वहाँ पर एक पोल क्रिएट किया हुआ है, उस पोल पर अपना वोट दीजिए कि आपके मार्क्स किस रेंज में हैं, ताकि हम देख पाए कि कट ऑफ क्या हो सकती है। बट मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि कट ऑफ आप कभी नहीं पता कर पाएंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कट ऑफ क्या है। लेकिन मैं आपको एक थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ। थ्रेशोल्ड क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका स्कोर 60 प्लस है या 62 प्लस है, तो दे कैन प्रिपेयर फॉर टायर टू। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 58, 57, 58 प्लस हैं तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। एसटी और एससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 52 to 55 अगर प्लस हैं तो वो तैयारी करें, ये मेरा मानना है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आपको पता चल गया कि किसको तैयारी करनी है। अब दूसरी चीज़, तैयारी कैसे करनी है ये देखते हैं। टायर टू के लिए मैंने जो V2 डाल रखा है उससे आपको तैयारी करनी है, सारा चीज़ में दे रखा है। और आज टेलीग्राम ग्रुप में अभी मैं शाम तक एक कंप्लीट PDF डाल दूंगा 10 पेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम में पिछले साल का पेपर भी डाला हुआ है जो 2019 में हुआ था। थर्ड थिंग कि अगर आप टायर टू में बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू में भी बैठने का मौका दिया जाएगा। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? हालांकि मैं इंटरव्यू की तैयारी आपको यूट्यूब पे बताऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे 2-4-5 मिनट की वीडियोस होंगी, तो उसमें मुझे लगता है कि ठीक है, ऑल ओके है। इसीलिए मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था टायर थ्री आपके इंटरव्यू के लिए, जो 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बातें करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अगर काउंटर क्वेश्चंस होते हैं तो उनको काउंटर क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो अगर आप चाहें तो उस बैच से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्लीज़ अननेसेसरी मैसेज ना करें, क्योंकि वो व्हाट्सअप हैंडलर मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पता नहीं है। ही जस्ट ओनली फॉर द डिटेल्स, आपको वहाँ पर वो डिटेल्स देगा। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल योर चॉइस। तो तीसरा बैच भी स्टार्ट हो गया है, 1 अप्रैल से तीसरा बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इनरोल करना है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं, फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बाकी अगर आपको फीडबैक लेना है कि अगर इंटरव्यू के बैचेस चल कैसे रहे, क्योंकि अभी 2 बैचेस रनिंग है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है जो कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है इंटरव्यू की, तो वो उससे आपको पक्का बताएगा कि कैसा बैच चल रहा है। बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छी तैयारी की और अच्छा रिजल्ट आया होगा। अब आगे की जो तैयारी है उसको छोड़ना नहीं है, मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।